तेरे इख्तियार में क्या नहीं मुझे इस तरह से नवाज दे, तेरे इख्तियार में क्या नहीं मुझे इस तरह से नवाज दे, मेरी यूं दुआएं कबूल कर, मेरे लब पे कोई दुआ ना हो। यदि बात की जाए कि हमें आज क्या दुआ चाहिए, तो सब मिलके एक ही तरह की दुआ मांगेंगे कि ये जो महामारी है, ये जो कोरोना है, इसे हम जल्दी से जल्दी मुक्त हों, आगे बढ़ें और फिर से सब मिलकर एक खूबसूरत दुनिया का हिस्सा बने। तो आप सभी के स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। आप लोग डरिए मत, घबराइए मत, बीमारी ही तो है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से आप निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस बीमारी से भी निपट लेंगे और फिर एक अच्छी दुनिया में शामिल होकर अच्छी जिंदगी जिएंगे। आज की कहानी मैंने ओशो की एक किताब से ली है, लगन मुहूर्त झूठ सब, ये किताब का नाम है और उसमें से मैंने इस कहानी को लिया है। सुनिएगा, सुनने के साथ साथ गुनिएगा जरूर, बड़ी काम की बात ओशो ने कही है। मैं उन्हीं की भाषा में ये कहानी आपको सुनाती हूँ कि मैं जब छोटा विद्यार्थी था तो स्कूल जाते वक्त बीच में एक मंदिर पड़ता था और उसके जो पुजारी थे वे बड़े प्रसिद्ध थे, बंशी वाले उनका नाम था, और उनकी बड़ी ख्याति थी कि वे बड़े सज्जन हैं, करुणावान हैं, बड़े दानी, बड़े प्रेमी और बड़े भक्त हैं। और जब वे प्रार्थना करते थे कृष्ण की, तो आंखों से आंसू बहते थे, लोग बड़े ध्यान में चले जाते थे, लेकिन मुझे देखकर एकदम से गुस्सा हो जाते थे, डंडा उठा लेते कि बस बोलना मत, कहना मत, क्योंकि जब भी वो मिलते, कहीं भी मिलते, जब भी मुझे दिख जाते, मैं कहता राम नाम सत्य है, और वो इससे नाराज हो जाते कि तू कैसा है, तुझे पता नहीं है कि जब भी कोई मर जाता है तब कहते हैं राम नाम सत्य है, मैं तो अभी जिंदा हूं, मुझे देख कर तू ऐसा क्यों कहता है। वे पूजा कर रहे होते, बंशी वाले की पुकार लगा रहे होते, और मैं उनके मंदिर पहुंच जाता, मुझे देख कर ही बंशी वाले को भूल जाते, कहते तू बाहर निकल, तू मेरे मंदिर से बाहर निकल, और ध्यान रख बोलना मत, वो बात बिल्कुल मुंह से मत निकालना, वो बात ही गलत है, तुझे कुछ समझ ही नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, जब देखो तब वही 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 कहता रहता है। मैं पूछता कि आखिर क्यों मैं ये नहीं कह सकता, आखिर क्या गलत है। वो बहुत गुस्सा हो जाते और आखिरकार मुझे मंदिर से भगा कर ही दम लेते। जब उनको मैं बहुत सता चुका तो एक दिन आ गए अपना डंडा लेकर, मेरे पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए, मेरे पिताजी से बोले इसको रोको, ये गलत बातें कहता है और मेरी पूजा में विघ्न डालता है, ये राक्षस है, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि मैं पूजा कर रहा हूँ, और बस पहुंच जाता है कि अब मैं पूजा करूँ कि इसकी फिक्र करूँ, आप बताइए। और मेरी पूजा शुरू होती नहीं सब गड़बड़ हो जाता है, ऐसी बातें कह देता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कम से कम बात तो बताइए। मैं जैसे ही बीच में बोलने को हुआ तो बोले चुप रह, बीच में नहीं बोलना। मेरे पिताजी ने भी कहा कि बेटा चुप रहो, बीच में नहीं बोलना। लेकिन उन्होंने पूछा कि आखिर बताइए तो सही, कहिए तो सही, क्या इसने कोई गाली दी आपको, क्या कोई बुरे वचन आपसे बोला, कोई आपका अपमान किया। अरे भाई, कोई गाली नहीं दी, कोई बुरा वचन नहीं किया, मगर ये ऐसी बात कहता है जो बुरी वचन से भी बुरी है। मैंने कहा आप कम से कम मेरे पिता को वो बात तो बताओ, चलो मेरे पिताजी के कान में कह दो, अगर सामने कहने में संकोच लगता है, और मैं तुमसे कहता हूँ और संकोच नहीं खाता, तो तुम संकोच क्यों खा रहे हो, कह दो, वे डांटेंगे तो मुझे डांटेंगे। और वो फिर वहां मुझ पर चिल्लाने लग गए, चुप रहे, जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में नहीं बोलना। मैंने कहा बात मेरे संबंध में हो रही है और निर्णय मेरे संबंध में होना है, इतना तो मुझे हक होना ही चाहिए कि मैं अपनी बात रखूं, और यदि आप नहीं कह सकते तो मैं कह दूं। वो फिर चिल्लाए खबरदार खबरदार खबरदार, जो मुंह से बात निकाली। जब वे चले गए तो मेरे पिताजी ने मुझसे पूछा कि आखिर बात क्या है, ये आदमी तो सीधा साधा है, भोला भाला है, और इनकी तो गांव में बड़ी प्रतिष्ठा है, और ये तुझे देखकर एकदम से भन्नाते हैं, तुझे देखते ही एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, डंडा हाथ में पकड़ लेते हैं, कांपने लगते हैं, बात क्या है। मैंने कहा कुछ बात नहीं, जो आम तौर से लोग कहते हैं कि राम का नाम सत्य है,
वही मैं इनसे कहता हूँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मरकर किसी से कहने में क्या सार है, जब वो सुन ही नहीं रहा, जब वो मर ही गया, तो उससे ये कहने में क्या सार है। जिंदा आदमी को ये समझाना जरूरी है कि राम का नाम सत्य है। मुर्दे को सुना के क्या करोगे, वो तो सुन ही नहीं रहा। बस इतनी सी बात कहता हूँ पिताजी, और ये गुस्सा हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस गुस्से का कारण क्या है। पिताजी बोले, बात तो तू ठीक कहता है, ये जिंदा आदमी से ही कहना चाहिए। मैंने कहा, हिसाब भी अजीब है। मुर्दे से कहते हैं कि राम का नाम सत्य है, और जिंदे से कहो तो जिंदा मारने दौड़ता है। जबकि सच बात तो ये है कि जिंदे को ही समझाना जरूरी है कि राम का नाम सत्य है। पिताजी ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, और तेरी बातें अक्सर ठीक होती हैं, पर उसमें कुछ गड़बड़ जरूर होती है, इसीलिए लोग गुस्सा हो जाते हैं। और तू कहाँ से खोज के ले आता है ये सब। जिंदगी हो गई मुझे भी, अर्थियां निकलती हैं, मैं जाता हूँ और मैं सबके साथ कहता हूँ कि राम का नाम सत्य है, पर ये बात मेरे दिमाग में आज तक क्यों नहीं आई। मैंने कहा, तो आपको लगता है ना कि मैं कुछ गलत नहीं कहता। पिता ने कहा, बात तो सही है, लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं तो कहना क्यों चाहिए। कहने का मतलब ये है, और कहानी सुनने की बात है और गुनने की बात है, तो सीधी सी बात है, लोग मरने के बाद सुनना चाहते हैं कि राम का नाम सत्य है, पहले सुनना नहीं चाहते। पहले तो उनको उलझते रहना पसंद है, संन्यास को टालते हैं, धर्म को टालते हैं, सत्य को टालते हैं, राम को टालते हैं, सरकाए जाते हैं आगे और आगे और आगे, और सरकाते सरकाते ही कब्र में गिर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया उन्हें इकट्ठा करके जब छोड़ने जाती है तो समझाती है, राम का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। आप तय करिए कि आपको ये कब सुनना पसंद है, आप कब समझना चाहेंगे, आज इसी अवस्था में कि राम का नाम सत्य है, या फिर इस दुनिया से जाने के बाद। ऐसी ही किसी कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।